समीकरण से कथन बनाना। अभी तक हमने विभिन्न परिस्थितियों पर आधारित कथनों को समीकरण निकाय के रूप में लिखकर उनके चरों के मान प्राप्त किए। क्या हम किसी समीकरण निकाय को कथन के रूप में लिख सकते हैं? आइए निम्नलिखित समीकरण निकाय को कथन के रूप में लिखकर देखते हैं। x धन y बराबर 45 समीकरण 1, x ऋण y बराबर 13 समीकरण 2। यदि हम x को एक संख्या तथा y को दूसरी संख्या मान लें तो समीकरण 1 और 2 को कथन के रूप में निम्न तरीके से लिख सकते हैं। दो संख्याओं का योग 45 है तथा उनका अंतर 13 है, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। या x एक किताब का और y एक कॉपी का रुपए में मूल्य है। एक किताब और एक कॉपी के मूल्यों का योग 45 है और उनके मूल्यों का अंतर 13 है। क्या इसी प्रश्न से और कथन बनाए जा सकते हैं? ऐसे दो कथन और बनाइए। उदाहरण 23। समीकरण निकाय x ऋण 1 / y बराबर 1/2, यह हमारा समीकरण 1 है। x / y धन 3 बराबर 3/2 समीकरण 2 को कथन के रूप में लिखिए। हल, यदि x / y एक भिन्न है जिसमें अंश x तथा हर y है, तब उपरोक्त समीकरणों को कथन के रूप में लिख सकते हैं। किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर वह भिन्न 1/2 के बराबर हो जाता है, तथा यदि उसके हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/2 के बराबर हो जाता है। समीकरण निकाय को कथन के रूप में लिखने के कई संभव तरीके हो सकते हैं। उपरोक्त समीकरणों को आप अन्य परिस्थितियों में भी कथन के रूप में लिख सकते हैं। करके देखें। निम्नलिखित समीकरण निकाय को कथन के रूप में लिखिए। पहला, x धन y बराबर 60, x बराबर 3y। दूसरा, x धन y बराबर 5, x y बराबर 6।